हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विस्टम स्टडी प्लेटफॉर्म में। हम उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं और इसी खंड के अंतर्गत आज हम धार्मिक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं और किस स्थान पर हैं। देखिए, ये एक टेबल के रूप में मैंने आपको रिप्रेजेंट यहाँ पर किए हैं, जिसमें आपको मैं जो है मंदिर जो धार्मिक स्थल हैं वो किस स्थान पर पाए जाते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न भी आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे कि एक तरफ स्थान दिए होंगे और एक तरफ मंदिर जो धार्मिक स्थल है उनकी सूची दी होगी और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा या उनमें से एक चुनना होगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला है शाकुंभरी देवी मंदिर। देखिए, शाकुंभरी देवी मंदिर जो है वो सहारनपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सहारनपुर में है। वहीं बेगम समरू निर्मित चर्च कहाँ है? मेरठ में है। ठीक है, तो बेगम समरू का निर्मित चर्च कहाँ है? मेरठ में है। शुक्रताल मंदिर मुजफ्फरनगर में स्थित है। शुक्रताल मंदिर कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। वहीं भगवान वरहा मंदिर कासगंज में है। भगवान वरहा मंदिर कहाँ पर है? कासगंज में है। देखिए, वीडियो काफ़ी छोटे होते हैं, 5 मिनट के, 7 मिनट के, 8 मिनट में, जिसमें आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपको जो 6 टॉपिक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आते हैं, कला, शिक्षा, ठीक है, व्यापार, उद्योग, कृषि, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं, ठीक है, इनसे संबंधित नोट्स आपको सबसे पहले दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर ताकि आपकी जो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। ठीक है, आगे चलिए। रामेश्वर धाम मंदिर की जो है वो फरुखाबाद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फरुखाबाद में। वहीं देवकली मंदिर है औरैया में। देवकली मंदिर कहाँ है? औरैया में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात में स्थित है। वहीं जेके मंदिर कानपुर नगर में है। देखिए, अगर ऑप्शन कानपुर देहात और कानपुर नगर दिया हो तब आप स्पेसिफिक देहात और नगर पे जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन कानपुर ही केवल दिया गया है तो देहात नहीं लगा है और भीतर गांव दिया गया है या जेके मंदिर दिया गया या वाल्मीकि आश्रम दिया या बिठूर आश्रम दिया हुआ है तो कानपुर ही सही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली कानपुर देहात और कानपुर नगर दिया हो तब आप स्पेसिफिक पे जाएंगे, अदरवाइज आप कानपुर पे ही रहेंगे। तो जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। वहीं वाल्मीकि आश्रम जिसे बिठूर आश्रम भी कहते हैं वो भी कानपुर नगर में है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, ये कहाँ पर है? ललितपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24 जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएं कहाँ है? गोरख पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? महोबा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 जैन तीर्थकर हैं, उनके उनकी प्रतिमाएं गोरख पहाड़ी पर हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं? ये महोबा में स्थित है। आगे देखिए, अत्रि आश्रम चित्रकूट में पाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है चित्रकूट का अत्रि आश्रम। वहीं विंध्यवासिनी देवी मंदिर, भृतहरि मंदिर भी इसको बोलते हैं, ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ठीक है, तो भृतहरि मंदिर जो है वो मिर्ज़ापुर में है, जिसको विंध्यवासिनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। वेणी माधव मंदिर, पाताल मंदिर, मन कामेश्वर मंदिर, नागवासुकी मंदिर तथा दुर्वासा आश्रम या दुर्वासा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में है। ठीक है, तो वेणी माधव मंदिर हुआ या पाताल मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर है, नागवासुकी मंदिर है, दुर्वासा मंदिर है, ये सभी कहाँ स्थित हैं? प्रयागराज में स्थित हैं। वहीं भारत माता मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर और सारंगनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित हैं? ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो भारत माता मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, सारंगनाथ मंदिर ये सभी कहाँ स्थित हैं? वाराणसी में स्थित हैं। वहीं सोमनाथ बाबा मंदिर ये कहाँ है? देवरिया में है। तो सोमनाथ बाबा मंदिर कहाँ है? देवरिया में है। वहीं भृगु मुनि का जो मंदिर है वो बलिया में है और बलिया में काफ़ी ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, बलिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? परिनिर्वाण मंदिर, परिनिर्वाण मंदिर, इसके बाद शयन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा कहाँ पाई गई है? परिनिर्वाण मंदिर जहाँ भगवान बुद्ध का क्या उन्होंने शरीर को अपने त्यागा था उसे कुशीनगर कहते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ पर परिनिर्वाण मंदिर बना है। शयन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा पाई जाती है कहाँ? कुशीनगर में। वहीं पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? बलरामपुर में। पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? बलरामपुर में है। आगे देखिए,
पार्वती अर्गा मंदिर कहाँ है? गोंडा में है। पार्वती अर्गा मंदिर कहाँ पर है? गोंडा में है। वहीं राजा सुहेल देव मंदिर कहाँ है? बहराइच में स्थित है। राजा सुहेल देव मंदिर कहाँ स्थित है? बहराइच में स्थित है। देवकाली मंदिर, कनक भवन मंदिर ये अयोध्या में है। ठीक है, देवकाली मंदिर और कनक भवन मंदिर। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सामान्यता पता होंगे, ठीक है, उनके मैं नोट्स में उनको इंक्लूड नहीं किया। जैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ है? अयोध्या में है। लाडली मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। बांके बिहारी मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, तो कुछ ऐसी फेमस चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो बहुत सारी ऐसी फेमस चीज़ें हैं जिनके बारे में हर लाइन आप नोट्स में ना लिखें, क्योंकि जो आपको इन जनरल सोशल मीडिया रील्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वरना अदरवाइज नोट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो केवल एक किताब हो जाएगी। तो देवकाली मंदिर, कनक भवन मंदिर ये कहाँ है? अयोध्या में है। आगे देखिए, दधीची आश्रम सीतापुर में है। कहाँ है? महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में है, देवा शरीफ बाराबंकी में। ठीक है, तो देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में है। वहीं गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। तो गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। ऐसे ही बांकी बिहारी मंदिर, हरिदेव मंदिर, लाडली जी मंदिर, दाऊ जी मंदिर ये सब कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, तो बांके बिहारी मंदिर, हरिदेव मंदिर, लाडली जी, दाऊ जी ये सारे मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? ये सभी मंदिर मथुरा में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। तो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति खंड के अंतर्गत हमने आज जितने भी धार्मिक स्थल थे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध, उन सबको कवर किया है। इनसे एक प्रश्न अवश्य आता है जहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करनी होती है। शाकुंभरी देवी मंदिर हो गया, शुक्रताल मंदिर हो गया, भीतरगांव मंदिर हो गया, बिठूर आश्रम हो गया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, महोबा का 24 जैनकर प्रतिमा गोरखपुर पहाड़ी पर। ठीक है, अत्यधिक बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो विंध्यवासिनी देवी मंदिर हो, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, भारत माता है, काशी विश्वनाथ है, सारंगनाथ मंदिर है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करा दिया ताकि आपको एक जगह पर स्पेसिफिक चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और सब टॉपिक के साथ, और इस तरह हम आर्ट एंड कल्चर के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि समीक्षा अधिकारी में हमारा चयन क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।